अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं आपकी खिदमत में एक व्लॉग लेकर दोबारा हाज़िर हुई हूँ। ये हम गुजरात जेलम से हमने गुजरात का सफ़र किया है। इम्तियाज़ मॉल पे आज हम शॉपिंग के लिए आए हैं और बच्चों को चिल करवाने का भी हमारा मूड था। तो ये देखिए जी, इम्तियाज़ मॉल के अंदर हम एंटर हो चुके हैं। ये इनका कस्टमर सर्विस सेंटर है। यहाँ पे वैसे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कोई भी वीडियो और फोटोज़ बनाना, लेकिन मैंने उनकी नज़रों से बचाकर ये थोड़ी सी छोटी सी वीडियो बनाई है। उन्होंने जगह जगह पे पेस्ट किया हुआ है कि यहाँ पे वीडियोस और फ़ोटोज़ बनाना ममनू है, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करना था और मैं घर से ही माइंड बना के गई थी कि मैंने वहाँ पे वीडियो बनानी है। तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्रॉकरी का स्टॉल है। क्रॉकरी यहाँ पे बनिस्बत हमारे जेलम बाज़ार के बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। इवन मैंने ऑनलाइन भी काफ़ी चीज़ें मंगवाई थी, लेकिन मैंने काफ़ी सारे आइटम्स जो मैंने ऑलरेडी मंगवाए हुए थे उनके प्राइजेस देखे तो यहाँ पे डबल की बजाय ट्रिपल थे। इसलिए मैंने क्रॉकरी बिल्कुल भी नहीं खरीदी। इसलिए हम आगे बढ़ गए हैं और अब्दुल्ला का मूड था कि यहाँ पे कोई टॉयज़ वगैरह या ट्राईसिकल और वो कारें वगैरह देख रहा था। फिर मैंने उसे समझाया कि बेटा ये बच्चों के खिलौने हैं, ये देखिए ये वाटर सेट्स हैं और ये 3-4 हज़ार से कम का कोई भी वाटर सेट यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब्दुल्ला को एक ट्राईसिकल यहाँ पे पसंद आ गई थी, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से उसको फिर मना किया, रोका कि अब आप बड़े हो चुके हो तो ट्राईसिकल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब हम लिफ्ट पे सवार होकर ऊपर वाले फ्लोर पे जाएंगे। इसके दो ही फ्लोर हैं मॉल के। अब्दुल्ला ने ये देखें बटन प्रेस कर दिया है और अब हम ऊपर वाले फ्लोर पे जाएंगे लिफ्ट के अंदर। और अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपने मामू की फैमिली के साथ, वो चिल करने के लिए आया है। मिनसा और हारून भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि हम यहाँ पे चीज़ों की वैरायटी भी देखेंगे और हम एंजॉय भी करेंगे। अब्दुल्ला ने ये देखें ट्रॉली जो है उठाई भी है और ये उसको ड्रैग कर रहा है, और उसका दिल है कि अभी मैं अपने खेल तमाशों की चीज़ें जो है वो लूँ, लेकिन मेरा माइंड ये है कि यहाँ से ग्रोसरी देखूँगी और बेकिंग की कुछ चीज़ें मैंने देखनी है। अब्दुल्ला की शॉपिंग मैंने करनी है। ये सामने मेकअप वर्ल्ड है, यहाँ से एक सेल्स गर्ल आई थी मुझे मना करने के लिए कि वीडियो नहीं बनाए। वहाँ पे बेडशीट्स का भी स्टॉल था। फिर मैं उनसे नज़रें बचा के इधर आ गई जिधर अब्दुल्ला के साइज़ के ड्रेसेस से। ये कुर्तों की वैरायटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। रीज़नेबल प्राइस भी थे कुर्तों के, लेकिन अब्दुल्ला को पसंद नहीं आए। ये गर्ल्स की कलेक्शन है यहाँ पे। और लेकिन मैंने फिर अब्दुल्ला के लिए शर्ट्स वगैरह ज़बरदस्ती जो हैं वो ख़रीदी वहाँ से। और अब्दुल्ला ने यहाँ से स्लीपर भी देखे जहाँ पे जूतों के स्टॉल थे, लेकिन इतने हाथ में पसंद नहीं आए। फिर ग्रॉसरी स्टॉल से ये देखें, ये मैंने लसूड़े लिए हैं अचार बनाने के लिए। इसके अलावा मैंने चेरीज़ ली, बाकी बेल पेपर्स वगैरह और भी चीज़ें थी। उसके बाद हमने लंच के लिए ऑर्डर किया हुआ था पिज़्ज़ा, और ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा जो है ये आ चुका है। बहुत ज़्यादा यमी, बहुत ज़बरदस्त मज़े का था। अब्दुल्ला और मिनसा जो हैं एग्जॉस्ट हो चुके हैं और उनको भूख भी लगी। ये देखिए हारून जो है वो भी एंजॉय कर रहा है, उसने कैप और ये बॉल्स वगैरह ली हैं इधर से ही मॉल से, और उसने ओपन करवा के तो उसी वक्त यूज़ करनी शुरू कर दी हैं। और यहाँ का पिज़्ज़ा लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े का था। एक तो हमने स्पाइसी टिक्का वाला ऑर्डर किया था और एक बच्चों के लिए कम स्पाइसी हमने ऑर्डर किया था। इसका टेस्ट बहुत लाजवाब था। हमने बहुत मज़े से ये गर्मा गर्म पिज़्ज़ा खाया और उसके बाद हमने फिर रवानगी का सोचा। ट्रॉली मैंने अब्दुल्ला को हैंडओवर की है, उसमें मोस्टली शॉपिंग अब्दुल्ला की थी। ग्रॉसरी मैंने बहुत कम खरीदी थी, लेकिन इस मॉल की मुझे एक बात बुरी लगी कि यहाँ पे कैरी बैग्स की पेमेंट जो है वो कस्टमर को खुद ही करनी पड़ती है। ये प्रपोज़ल फिर मैं काउंटर पे दे के आई कि आप कस्टमर को खुद से ही कैरी बैग प्रोवाइड किया करें। एनीवे अब हमारी गाड़ी आ चुकी है और अब हम उसमें बैठ कर रवाना होंगे। आपसे इजाज़त चाहूँगी, नए ब्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।